नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा को सीबीआई का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है, लेकिन इस फैसले के कुछ ही घंटों बाद कांग्रेस ने इसे गलत बताया। लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि इस 3 सदस्य सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, उन्होंने एक नोट लिखकर आलोक वर्मा की नियुक्ति का विरोध किया। खड़गे के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर इस 3 सदस्य कमेटी के सदस्य हैं। खड़गे ने हमारे सहयोगी अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया, मैंने अपनी राय लिखित में दी है। मैंने कहा है कि एक व्यक्ति जिसका एक लंबे समय का सेवा रिकॉर्ड हो, उसे नियुक्त किया जाना चाहिए। मैंने कहा कि सभी नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाना चाहिए और एक व्यक्ति जिसने सीबीआई में भ्रष्टाचार के मामलों पर काम किया हो, उसे ये पद दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया। दरअसल खड़गे चाहते थे कि सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक आर के दत्ता को सीबीआई का डायरेक्ट नियुक्त किया जाए, लेकिन केंद्र सरकार ने आलोक वर्मा के नाम का चयन किया। आपको बता दें कि वर्मा ने विजिलेंस ब्यूरो में काम किया था, जो कि तकनीकी रूप से उन्हें इस पद के लिए उपयुक्त बनाता है। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया के और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।